देखिए, वाईके ने रियल मैड्रिड फाउंडेशन के साथ टाइप करा है, जो कि 10 साल से उनका टाइप है। और उसके अंदर वो जो गरीब बच्चे होते हैं, उन गरीब बच्चों को वो एक जगह लेकर आते हैं और वो एक 3 दिन का कैंप करते हैं। पर उस 3 दिन के कैंप के अंदर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले वो लोकल कोचेस को वो पहले ट्रेन करते हैं, वो उनके अंदर वो वैल्यूज़ डालते हैं। बेसिकली छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों को तो आप एकदम से प्लेयर नहीं बना सकते ना, पर छोटे बच्चों को आप तैयार करते हो, पहले उनके अंदर सोच डालते हो। हालांकि 3 दिन के अंदर वो एक, उनको मैंने कहा ना, जैसे कि एक रियल मैड्रिड वो टीवी पे देखते हैं, अब वो चीज़ वो सामने देख रहे हैं, तो एक उनके फिर वो जब 3 दिन के एक्सपीरियंस के बाद जाएंगे ना, तो पक्का वो बहुत चीज़ें सीख के जाएंगे। वो यहाँ पर कोई प्लेयर बनाने का उनका ये वाला इनिशिएटिव नहीं है, पर बच्चों के अंदर एक उम्मीद डाल रहे हैं, और वो उम्मीद के लिए ये बहुत ही बड़ा एक कामयाब इनिशिएटिव है। क्या क्या सुविधाएं उनको उसके मिल रही है, और ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, या कोई स्कूल से हैं, या जैसे बताया इनने कि ये एनजीओ के साथ करते हैं, क्योंकि वो एनजीओ से ज़्यादा गरीब बच्चे हैं। तो प्रयास एक एनजीओ है, तो मतलब प्रयास, और कौन सी है, 4-5, हाँ जो डॉन बॉस्को है, पाठशाला है। अब वहाँ से देखो, ये संस्थाएँ चला रही हैं, तो वहाँ पर ये गरीब बच्चों को वो, अब वो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, तो स्लम से आ रहे हैं। अब प्रयास तो आपको पता ही है, वो जुवेनाइल के अंदर भी करते हैं, और वो काफ़ी बड़ी उनकी अमोदकंड जी की है एनजीओ, तो उसके अंदर वहाँ से बच्चे ये लाते हैं। और ये कोचेस, 6 कोचेस डेली सॉकर एसोसिएशन के, और बाकी भी इनके पास पूरा ये और कोचेस भी हैं जो इनने टाइप करा है। और उसके साथ इनको जैसे बताया, जर्सीज दी जा रही हैं, फुटबॉल दी जाएगी, और 3 दिन 3 घंटे हर दिन, वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर सिखाने वाली बात और बच्चे को सीखने वाली बात है। तो और ये वीडियो बनता है, फिर ये वीडियो को पूरा ग्लोबली दिखाया जाता है। तो अभी देखिए, इससे एक जो बच्चा उस वीडियो के अंदर आएगा, और वो वीडियो में मिलियंस में व्यूज जाती हैं, तो उसके लिए तो अभी तक मैं शायद नहीं दे पाऊँ, क्योंकि ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो वो मैं नहीं दे पाऊँगा। पर मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे गरीब हैं। फिलहाल उद्देश्य क्या है ये सबका? इनका उद्देश्य है कि ये बच्चों के अंदर जागरूकता लाना चाहते हैं कि फुटबॉल के प्रति, ठीक है। और इसीलिए उनकी जो ये सोच होती है ना, सपना, वो सपना को वो चाहते हैं कि और सपना देखें। गरीब बच्चे हैं, और उस गरीब बच्चों के लिए उनकी वो क्या है, इसलिए ये फाउंडेशन ये हेल्प कर रही है कि इनको, दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है वो, वहाँ से कोच आ रहे हैं। तो अगर मैं भी छोटा होता तो मुझे गरीब होने का एक वो है ना, कि मैं क्यों ऐसी जगह पैदा हुआ। अब वो उस 3 दिन के लिए उसको वो भूल जाता है, उस 3 दिन में उसको लगता है कि यार गरीब